हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पासपोर्ट फोटो एडिटिंग के ऊपर। बेसिकली बहुत सारा भाई लोगों ने मेरे को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार कॉमेंट कर रहा है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहा है कि पासपोर्ट फोटो एडिटिंग के ऊपर फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक जबरदस्त एक वीडियो लेके आ जाओ जहाँ पे आप A to Z सीख पाए ओनली पासपोर्ट फोटो एडिटिंग के ऊपर। एंड यहाँ पे ये भी रहे कि पासपोर्ट फोटो का जो स्क्रीन रिटचिंग है वो किस टाइम पे करना चाहिए एंड स्क्रीन टचिंग का स्टेप्स क्या है वो आप बता दो। तो इसी टाइप टॉपिक के ऊपर मैं लेके आ चुका हूँ ये वाला वीडियो। सिंपली लास्ट तक वीडियो पे बने रहना, वो सारे जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो सारे स्टेप्स को आप अच्छे से समझ लेना, तभी आप ये सारा जो पासपोर्ट फोटो एडिटिंग का काम है वो आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरा डेस्कटॉप पे अंदर ले जाके आपको फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक फोटो का पासपोर्ट फोटो बना के दिखाऊंगा और क्या क्या स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप्स आप पहले नोट डाउन भी कर लीजिएगा, तभी आपको ये जो काम है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर ले चलता हूँ। सो देख सकते हो मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर इधर से आ चुका हूँ और ये वाला फोटो देख सकते हो ले लिया मैंने। आपको एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, देखो पूरा सीधा फोटो मैंने यहाँ से लिया हूँ। आप कोई सा भी फोटो ले सकते हो जिसका पूरा सीधा हो, वही फोटो का बेटर सबसे पहले पासपोर्ट फोटो बनेगा। एंड बैकग्राउंड जो होगा वो आप, मैं रिकमेंड करूंगा कोई सिंगल कलर का बैकग्राउंड। अगर स्टूडियो वाले हो आप कोई से भी कलर बैकग्राउंड यूज कर सकते हो ताकि आसानी हो काम के लिए कि आप चुटकियों के अंदर आप जो है बैकग्राउंड रिमूव कर दो। एंड अगर आप घर पे बैठे हुए कोई भी पासपोर्ट फोटो पहले एडिट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉलीगोनल लासो टूल, अदरवाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेन टूल। कोई सा भी आप यूज कर लीजिएगा एंड उसके बाद मदद से आप सिलेक्शंस बना लीजिएगा एंड देन आप यहाँ से सिलेक्शंस को बनाने के बाद बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिएगा। तो सबसे पहला चीज आपका क्या होगा, सोचिए ये वाला फोटो मैंने लिया हूँ, सबसे पहले राफ सा एक सिलेक्शंस बनाना है, मतलब क्रॉपिंग करना है। सोचिए मैं कुछ इतना हद तक कॉपी कर यहाँ पे क्रॉप करूंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे को इससे ज्यादा एरिया तो नहीं चाहिएगा, कुछ ऐसे अमाउंट एंड कुछ ऐसे मैंने यहाँ से क्रॉपिंग बना चुका हूँ। अभी क्रॉपिंग बना लेने के बाद देखो आपका कंट्री के मुताबिक आपका होता है एक्चुअली पासपोर्ट साइज। मेरे कंट्री में जो पासपोर्ट साइज है मैं उसके मुताबिक बनाऊंगा। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो अपना कंट्री का नाम देके कि पासपोर्ट का साइज क्या है, तो वो आपको जान लेने के बाद अब आसानी हो जाएगा कि काम करना कैसे है। जैसे मेरे इंडिया में यहाँ पे जो है 3.5x3.5mm का जो है पासपोर्ट फोटो बनाया जाता है। बहुत सारा टाइप का साइजेस होती है, नीड के मुताबिक काम आती है, तो किस तरह का नीड है वो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे क्रॉपिंग बनाने के बाद आपको कोई सा भी टूल यूज कर सकते हो सकता है पॉलीगोनल लासो टूल हो सकता है आपने कोई सा भी ऑटोमेटेड टूल की मदद से, जैसे मैंने यहां से क्लिक किया आप देखो ऊपर वाला हिस्सा वगैरह सारे कुछ परफेक्टली यहां से सिलेक्ट हो चुका है, बट नीचे ये सारा कुछ फिक्स नहीं हो पाया है। तो यहां पे क्या करना होगा, आप देखिए इसका ड्रेस के ऊपर जो व्हाइट पोर्शन था वो यहां से सिलेक्ट हो चुका है, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यूज करूंगा पॉलीगोनल लासो टूल। सिंपली पॉलीगोनल लासो टूल की मदद से देखो यहां से सिलेक्शन ऐड हो चुका है, तो इस वजह से ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करूंगा ताकि यहां से देखो पॉलीगोनल लासो टूल की एक साथ एक माइनस बटन आ गया है। अभी क्लिक करके अभी ऑल्ट छोड़ सकते हो, अभी काम के लिए ऑल्ट छोड़ सकते हो और देन यहां से क्लिक करना स्टार्ट कर दो। चुका था, अभी देखो मैंने यहां से फिक्स कर चुका हूं। मेरा क्या सिलेक्ट हुआ है, बैकग्राउंड सिलेक्टेड है, देखो बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। आपको क्या करना होगा, वही सिलेक्शंस के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहां से देखो सिलेक्ट इनवर्स कर लेना है। तो ये यहां पे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। एंड जब इस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा आप क्या करना है, यहां से देखो एक मास्क आइकन मिलेगा यहां पे देखो, बट मास्क आइकन जो है वो विजिबल नहीं है, तो इसको फिक्स कैसे करना है, इसका जो ये वाला आइकन है लॉक आइकन इसके ऊपर डबल क्लिक करके ओके कीजिएगा। तो यहां से देखो मेरा मास्क हट अभी विजिबल हो चुका है और ये लॉक हट चुका है, अभी इसी इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो यहां से देखो मास्क बन गया है ना, देखो बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है एंड ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। आप देखो बालों वगैरह का उतना प्रॉब्लम नहीं आया है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहां पर रिमूव कर चुका है। अभी कुछ कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि पासपोर्ट फोटो में मैंडेटरी हो, कुछ कुछ टाइम हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड व्हाइट ही हो, तो उस टाइम पे आपको व्हाइट बैकग्राउंड यूज करना है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आप नॉर्मली पासपोर्ट का कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो। बट उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, पासपोर्ट फोटो का बनाने के लिए सबसे पहले सोचिए मैंने यहां से क्रॉपिंग वगैरह कर लिया, बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया, अब स्किन रिटचिंग की बारी आती है। तो स्किन रिटचिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से देखो ये मास्क क्यों मैंने लिया, बाद में मैं चाहूं तो ब्रश करके किसी भी जगह को रिटर्न ले सकता हूं, तो इस वजह से इसको मैंने यूज किया मास्क।
अभी मैं क्या करूंगा, इसी मास्क वाला लेयर का डुप्लीकेट लेयर दो बार बनाऊंगा। देखो दो बार डुप्लीकेट लेयर मेरे जैसा आप बना लीजिएगा। दो बार डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद आप ये सारा मास्क को मास्क के ऊपर राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क कर लीजिएगा ऊपर दोनों को। तो देखो ऊपर दोनों को मैंने कर लिया। अभी देखो सबसे ऊपर वाला लेयर का जो नाम होगा वो होगा हाई पास। सिंपली हाई पास यहाँ पे डाल दीजिएगा। एंड उसके नीचे वाला जो नेम होगा इसका नाम होगा ब्लर। एंड सिंपली देखो मैंने ब्लर डाल चुका हूँ। अभी सबसे पहले हाई पास वाला लेयर पे चलते हैं। यहाँ पे फिल्टर पे जाऊंगा, अदर पे जाऊंगा, यहाँ से हाई पास डालूंगा। नियर अबाउट 1 to 2 pixels के आसपास होगा। आपके मुताबिक ये फोटो के मुताबिक होती है, आपका रेजोल्यूशन के मुताबिक होती है। मेरे फोटो में 1.5 pixels मैं दे रहा हूँ। एंड ये देखो स्किन का दो टेक्सचर देख लो, कुछ ऐसे आना चाहिए। एंड सिंपली कीजिएगा ओके। एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड होगा वो आप क्या करना, पहले हार्ड लाइट करके देख लो। हार्ड लाइट पे अगर परफेक्ट टेक्सचर आ रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज विविड लाइट करना पड़ेगा। अब देखो आपको कुछ ऑड लग रही है, घबराना नहीं है। ब्लर पे जाइएगा, फिल्टर पे जाना, ब्लर एंड सिंपली गॉसन ब्लर। एंड ये वाला जो गॉसन ब्लर है बहुत ज्यादा अमाउंट मेरा यहाँ पे हो चुका था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आया है। अब सिंपली इसको थोड़ा सा डाउन अमाउंट से आप स्टार्ट कीजिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज करना पड़े, बट वो मैं ज़्यादा पहले से ही रिकमेंड नहीं करता हूँ। पहले 10 पिक्सल तक आप देख लेना कितना अमाउंट मिल रही है, किस तरह का ब्लर मिल रही है। अगर परफेक्ट ब्लर मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से नियर अबाउट मैं यहाँ पे 5 pixels डालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करूँगा, इसी ब्लर वाले लेयर एंड हाई पास वाला लेयर के बीच में ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करते हुए एक बार क्लिक करूंगा तो क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। एंड ये ब्लर वाला लेयर के ऊपर क्लिपिंग मास्क बनेगा। अभी ब्लर वाला लेयर के ऊपर एक मास्क लो, कंट्रोल आई दबाते हुए इनवर्ट कर लो। देखो मेरा इनवर्ट हो चुका है। मैं रिकमेंड करता हूँ दाग धब्बा पहले रिमूव कर लो, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मास्क देखो मेरा सिलेक्टेड है, तो मास्क का कलर ब्लैक है, इस वजह से फॉरग्राउंड कलर मैं रखूंगा व्हाइट। एंड देखो ब्रश टूल मैंने ले लिया, एंड ब्रश का साइज लिटिल बिट छोटा वाला ब्रश यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ से देखो ओपेसिटी वगैरह मेरा डाउन था, बट आपको ओपेसिटी क्या करना है फुली करके ही काम कर लीजिएगा, बेटर रिजल्ट मैं रिकमेंड करता हूँ मिल ही जाएगा। एंड देखो मेरा इतना बन चुका है, बट कुछ कुछ जगह ऐसे हो सकता है। देखो राइट साइड में मेरा लाइट बढ़िया है, बट लेफ्ट साइड पे लाइट इतना बढ़िया नहीं है। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, कर्व वाला लेयर यूज कीजिएगा। कर्व पे आपको थोड़ी सी लाइटनेस इंक्रीज करना है कुछ ऐसे। एंड ये मेरा क्या हुआ था, ये मेरा ये वाला ब्लर वाला लेयर के ऊपर अप्लाइड है, बट घबराना नहीं है, इसको भी फिक्स करना सिखाऊंगा। तो आपको ये वाला पोर्शन देखो कुछ ऐसे करके लाइट इंक्रीज करना है, एंड नियर अबाउट इतना। एंड सिंपली ब्लैक पोर्शन भी आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इतना ही छोड़ता हूँ। मास्क को दोबारा से कंट्रोल आई दबाते इन्वर्ट करो। देखो मेरा बीच में है, बीच में है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको दिखाता हूँ क्या करना होगा। इस साइड पे अभी अगर ब्रश करोगे तो देखो लाइटनेस जो है इस साइड पे मेरा आना स्टार्ट हो गया है। आपको हो सकता है उस साइड पे भी ब्रश करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा, आपको ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से डाउन किया हूँ, देखो मैच करवाने के लिए तो आप ये सारा काम करना ही पड़ेगा। देखो कितना बढ़िया तरीके से यहाँ से मैचिंग हो रही है। अभी देखो ये वाला लेयर अप्लाई करने के बाद जो डार्क पोर्शन था लेफ्ट साइड पे वो मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। एंड जो जो पोर्शन के अंदर आपको एक लाइट चाहिए होगा वो ब्रश का साइज थोड़ी सी मतलब ब्रश का जो ओपेसिटी है वो आप थोड़ा सा डाउन करके ही ब्रश कीजिएगा, सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एंड ओवरऑल फोटो के ऊपर अगर आपको गोरा चाहिए होगा तो सबसे ऊपर वाला लेयर के ऊपर एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सॉलिड कलर वाला लेयर लो जिसका कलर होगा व्हाइट। एंड सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड आपको करना है सॉफ्ट लाइट। ठीक है, सॉफ्ट लाइट मैंने किया। अभी इसके ऊपर डबल क्लिक करो, या चाहो तो इस तरह से डबल क्लिक ना करो तो राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाओ। कुछ ऐसे विजर्ड ओपन होगा, आपको यहां से जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है ऑलरेडी सॉफ्ट लाइट सिलेक्टेड होगा, ब्लेंड हिप ग्रे ही रहेगा। अंडरलाइन लेयर का ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करते हुए राइट साइड वाला जो ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक, इसको पूरा इस तरह से राइट तक ड्रैग करना है। तो ऐसे रिजल्ट मिल रही है। आपको क्या करना होगा, मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करना है। एंड इन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखो कोई सा भी एक इस तरह से एक बार ये जो सब थंबनेल है इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो सिलेक्शन आ जाएगा, एंड वही मास्क सिलेक्टेड होगा। एंड फॉरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रख के आपको ब्रश करना है। एंड देखो ब्रश करने के बाद ये जो ओनली है ओनली सब्जेक्ट के ऊपर ब्रश होगा, आपका बैकग्राउंड पे ये व्हाइट कलर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो सारे लेयर को मैंने कंट्रोल ई दबाते हुए मार्च कर लिया। एंड मेरा यही बचा है नॉर्मल फोटो। अभी आपको फोटो का साइज लेना है, यहाँ पे न्यू कंट्रोल एन दबा के भी ले सकते हो या फाइल पे जाके न्यू ले सकते हो। अभी इसका वाइट एंड हाइट मेरा यहाँ पे मैं इतना ही लेने वाला हूँ, सिंपली करता हूँ ओके। ये मेरा फोटो का साइज निकल के आ चुका है। अब बेसिकली मैं ये वाला इमेज को जो है इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। बैकग्राउंड आप अपने मुताबिक सेट कीजिएगा, मतलब कौन सा कलर आपको चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर। एंड सिंपली देखो मैं यहाँ पे जो प्लेसमेंट कर रहा हूँ कुछ सोचिए मैंने इस तरह से ही दे दिया। ठीक है, अब इस तरह से देने के बाद इसको प्लेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे आप
कितना प्लेसमेंट कर रहे हो। देखो मेरे को जो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए तो कुछ ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अब बैकग्राउंड अगर व्हाइट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज बैकग्राउंड के ऊपर एक सॉलिड कलर वाला लेयर लो, जिसका कलर आप जिस तरह से सेट करना चाहते हो अपनी मर्जी वो सेट कर लेना। एंड यहाँ से आपको क्या करना होगा, लेयर पे जाके फ्लैटन करना पड़ेगा। तो फ्लैटन करने के बाद इमेज बन जाएगा। अब 4-6 वाला आपको पेज लेना है जहाँ पे आप प्रिंट वगैरह करते हो, तो आप लोगों तो बाकी सारी चीज़ें पता ही होगा। तो सिंपली यहाँ देखो मैंने 4-6 वाला फोटो ले लिया। अब ये वाला फोटो को उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो 3.5x3.5 पिक्चर्स है उसके ऊपर ऐसे साइज आएगा। स्टोक डालना, स्टोक नियर अबाउट 3 का ब्लैक स्टोक एक डाल देना, ठीक है। ब्लैक स्टोक डालने के बाद कुछ ऐसे बन जाएगा। एंड 2 से 3 फोटो अपने मुताबिक, पेज के मुताबिक प्रिंट होती है, तो इसको प्रिंट डालोगे तो ये होता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। बहुत सारा टाइप का फोटो का साइज होती है, वो साइज के मुताबिक प्रिंट निकलता है। तो ये सारा कुछ आप देख के आसानी से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए आसान होगा आपका पासपोर्ट फोटो एडिटिंग के लिए। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल होता है तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नए को एडिटिंग के साथ, नए को ट्यूटोरियल के साथ। बदले बाय बाय।